तो गाइस यूट्यूब चैनल तो बना लिया, उसके ऊपर ढेर सारे वीडियो भी अपलोड कर दिए, लेकिन फिर भी आपके जो चैनल के ऊपर के व्यूज़ है वो 10 से 15 व्यूज़ आके रोक जाता है आपके वीडियो। तो ऐसा होता क्यों है ये भी है इस वीडियो में हम जानेंगे, उस तरह हम इसको इस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं वो भी इजी तरह कैसे वो भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि 10 से 15 व्यूज़ आते क्यों है, उतने व्यूज़ या कि आपका वीडियो क्यों स्टॉप हो जाता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम गाइस मेरे साथ भी हुआ था, मैंने उसको सॉल्व किया और कैसे सॉल्व किया वो भी जान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है गाइस आपका जो थंबनेल है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, ये तो सभी लोग बताते हैं। उसी के साथ गाइस आपका जो टाइटल है, हैशटैग्स है, वो भी प्रॉपर होना चाहिए, वो भी सही बात है, वो ये भी सब लोग बताते हैं। और गाइस सबसे जो मेन चीज़ है वो है ऑडियंस रिटेंशन। ऑडियंस रिटेंशन क्या होता है गाइस, सपोज मेरा एक वीडियो 10 मिनट का, ठीक है, तो उस 10 मिनट के वीडियो में कम से कम गाइस मेरे उस वीडियो पे एक मिनट तो वॉच आना चाहिए, कम से कम एक मिनट तो सबने देखना चाहिए गाइस। ठीक है, अगर एक मिनट आता है तो गाइस इतना इंप्रेशन नहीं जाएगा, ठीक है, इतना वो वायरल नहीं होगा। लेकिन उसी वीडियो पे अगर 10 मिनट का वीडियो है और उसके ऊपर 3 से 4 मिनट का व्यू आता है कम से कम, तो गाइस वो वीडियो रॉकेट की तरह उड़ेगा। ठीक है, यानी कि उसके ऊपर जो व्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आएंगे। लेकिन सिर्फ इधर ऑडियंस रिटेंशन आने से आपका चैनल जो है ग्रोथ नहीं होता गाइस, वीडियो आगे नहीं बढ़ेगा। उसके साथ आपको क्या चाहिए, इंप्रेशन भी ज़्यादा आनी चाहिए। तो आते कैसे गाइस, तो आते थंबनेल से। इसलिए आप जब भी कोई वीडियो अपलोड करते हो गाइस आपको एक अट्रैक्टिव थंबनेल देनी है, क्योंकि यूट्यूब क्या करता है, सपोज आज मैंने एक वीडियो अपलोड किया, मेरे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर है, तो सबसे पहले मैं वीडियो अपलोड करती हूँ यूट्यूब कि उनको भेजेगा मेरा वीडियो, वो जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, सपोज मेरे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर थे, तो उनके ऊपर पहले वो इंप्रेशन भेजेगा, तो उनके ब्राउज फीड पे वो पहले मेरा वीडियो जाएगा। ठीक है, तो इधर यूट्यूब क्या देखता है, जिन जिनको यूट्यूब ने वो वीडियो भेजा है तो उसमें से कितने लोग उसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये होता है क्लिक थ्रू रेट गाइस, समझ लिए। तो अगर 100 में से 10 लोग भी अगर उस वीडियो पे क्लिक करते हैं तो इंप्रेशन कितने आएगा गाइस, अपने इसके ऊपर वीडियो के ऊपर 10 आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से CTR काउंट होता है। और अगर गाइस आपका CTR 10% से नीचे जाता है तो आपके जो इंप्रेशन है वो डाउन होते जाते हैं। लेकिन वही अगर सपोज आपके 100 सब्सक्राइबर है और उनमें से कम 20-30 लोगों ने आपके उस वीडियो पे क्लिक किया, ठीक है, तो इधर आपका इंप्रेशन कितना हुआ, 20-30% का हुआ, यानी कि आपका CTR हाई है। ठीक है, तो इंप्रेशन ज़्यादा आएंगे अगर पहले 100 को भेजा तो YouTube क्या करेगा, और 100-200 लोगों को भेजेगा, इस तरह से वो इंप्रेशन बढ़ते जाते हैं। ठीक है, और सिर्फ इधर CTR काम नहीं करता गाइस, आपके वीडियो के ऊपर ऑडियंस रिटेंशन भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले बताया 10 मिनट का वीडियो तो कम से कम 2-3 मिनट तो उसको कंटिन्यू हर एक पर्सन ने देखना चाहिए, तभी वो उसका जो ग्रोथ है वो होगा। और सिर्फ यही पे काम नहीं होता गाइस, आपका जो हैशटैग्स है, जो टाइटल है, वो भी तो सही होना चाहिए, क्योंकि आप एक नए यूट्यूबर हो तो आपका जो सब्सक्राइबर वो तो कम होगा, सही बात है। तो आपका सबसे मेन टारगेट कहाँ पे होना चाहिए, सर्च बार में। ठीक है गाइस, ऑडियंस रिटेंशन जो आएगा वो कहाँ से आएगा, सर्च बार से और ब्राउज फीचर से आएगा आपका। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपके जो हैशटैग्स है और जो टाइटल है वो अट्रैक्टिव देना है। टाइटल अट्रैक्टिव नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन सर्चेबल होना चाहिए गाइस। ठीक है, एक ईजी टाइटल होना चाहिए, दिखने में आसान दिखना चाहिए। ठीक है, और जैसे सर्च करें तो सबसे ऊपर आपका वीडियो जाना चाहिए, उससे होगा क्या गाइस, जितने भी लोग सर्च करेंगे अगर आपका वीडियो उधर आ गया तो उसके ऊपर चांस क्लिक करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए आपका वीडियो जो है वो टॉप पे आना चाहिए, इसलिए आपको जो हैशटैग है वो सही देने और जो टाइटल है गाइस वो अट्रैक्टिव रखना है। ठीक है, और सबसे मेन है गाइस आपका थंबनेल, क्योंकि थंबनेल से 90% गाइस जो व्यूज आते हो थंबनेल से आते हैं गाइस। कभी भी देखना, आपका अगर थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं होगा तो वीडियो आपका जो है वायरल नहीं होगा गाइस। ठीक है, इसलिए आपको जो थंबनेल है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने हैं, सबसे ज़्यादा मैंने आपको थंबनेल पे लेने है और उसके बाद वीडियो पे लेनी है। और ऑडियंस रिटेंशन कैसे बढ़ता है गाइस ये भी जान लो, अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं जैसे मैं बना रहा हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो देखने में कोई इंफॉर्मेटिव लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो भी आप इधर रुकोगे, ठीक बराबर है। और एंड तक कब देखोगे गाइस, कम से कम 2-3 मिनट तक कब देखोगे आप, जब आपको लगे कि हाँ ये बंदा कुछ तो इन्फॉर्मेटिव बता रहा है, कुछ सही से बता रहा है, तभी तो देखोगे। या फिर कुछ ऐसा सस्पेंस क्रिएट कर दो अपनी वीडियो में जिसकी वजह से बंदा आपकी वीडियो पे रुकने के लिए मजबूर हो जाए कि हाँ भाई आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या बताएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इस तरह से गाइस आप अपने यूट्यूब चैनल को जो है ग्रो कर सकते हो, अपनी वीडियोज़ के ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ ला सकते हो। ठीक है, तो ये तो होगी एक बार गाइस जो कि मेहनत से हो। अब दूसरा तरीका बता देता हूँ जो कि बिल्कुल फ्री है, वैसे फ्री नहीं है, आपको जॉब को थोड़ा बहुत तो हवा लगी गाइस। ठीक है, डेली करनी पड़ेगी आपकी जेब को, लेकिन यहाँ से आप कैसे कर सकते हैं गाइस, आपको गूगल एड्स के थ्रू यूट्यूब पे जो अपने वीडियोज़ के उसके एड्स रन करने हैं। ठीक है, एड्स रन करके कर भी गाइस आप जो वीडियोज़ के ऊपर अच्छे खासे व्यूज़ ला सकते हो। और वो गाइस ऐसा नहीं है कि क्लिक बेट का हो गया वैसा कुछ नहीं है, ये जेन्यून है। ठीक है, आप ऑर्गेनिक तरीके से ही ला रहे हो, लेकिन सिर्फ इतना ही है कि पैसे दे के ला रहे हो।
अब यहाँ पे जो आप व्यूज़ आएंगे गाइस, उसका वॉच टाइम तो काउंट नहीं हुआ, लेकिन उसके वजह से गाइस आपके चैनल पे जो सब्सक्राइबर्स है वो बहुत अच्छे से बढ़ेंगे आपके, ठीक है। एक सब्सक्राइबर, जो न्यू सब्सक्राइबर गाइस आपको मिलेंगे और उसका फ़ायदा जरूर होगा, और वो सब्सक्राइबर गाइस काउंट होते हैं, जो क्राइटेरिया है यूट्यूब का उसमें वो सब्सक्राइबर्स काउंट होते हैं, सिर्फ जो वॉच टाइम है वो काउंट नहीं होता, लेकिन जो सब्सक्राइबर्स है गाइस वो काउंट होते हैं। इसलिए आपको सब्सक्राइबर्स बढ़ाने पर ध्यान देना है इधर, ठीक है। तो इस तरह से गाइस कुछ पैसों में आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने इधर करा हुआ है, देख सकते हैं मैंने कुछ एड्स रन किए थे, उसकी वजह से मेरे चैनल पे अच्छे खासे जो व्यूज़ है वो भी आए, और जो सब्सक्राइबर देख सकते हैं गाइस वो भी अच्छे खासे बढ़े हुए हैं मेरे इधर, ठीक है। तो ये तो उससे मेरे मुझे एक बहुत अच्छा जो पॉजिटिव वे में फ़ायदा है वो मिला हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।